गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ चारू और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही प्यारा ब्लूबर्ड पार्क का वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि कानपुर में है। दोस्तों इससे पहले भी मैंने ब्लूबर्ड पार्क की बहुत सारी थीम अपने चैनल पर अपलोड की है। अगर आप ब्लूबर्ड पार्क पूरा घूमना चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं। मैंने अपने ब्लूबर्ड पार्क के पिछले वीडियो में आपको ब्लूबर्ड पार्क की नाइट थीम दिखाई है, वहाँ के झूले दिखाए हैं और वहाँ का रेस्टोरेंट भी दिखाया है। ऐसे मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। पंजाबी थीम मैंने नहीं दिखाई थी इससे पहले, तो पंजाबी थीम की काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि ब्लूबर्ड पार्क का पंजाबी थीम भी दिखाइए, तो मैंने ये वीडियो क्रिएट की है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पंजाबी थीम आपको बहुत पसंद आने वाली है और अगर आप ब्लूबर्ड पार्क जाएंगे तो इस थीम में आपका फोटो सेशन बिल्कुल फैंटास्टिक होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी अगर आप जाने का मन बना रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ढेर सारे फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग चल रहे हैं रेस्टोरेंट में, आपको रेस्टोरेंट भी दिखाते हैं। दोस्तों इस वक्त हम लोग चल रहे हैं पंजाबी थीम रेस्टोरेंट के अंदर और जैसा कि आप दूर से देख सकते हैं नज़ारा बहुत ही सुंदर है, लाइक गोल्डन टेंपल, और इसी के अंदर पंजाबी थीम भी है। और मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, इस टाइम गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, आप जाइए, वहाँ का वाटर पार्क भी ओपन हो चुका है। ड्यू टू कोविड अभी कुछ दिनों से बंद था पर अब अभी इस टाइम ओपन है, आप जा कर के इंजॉय कर सकते हैं। तो जैसा कि वीडियो में देख रहे होंगे मैं पंजाबी थीम रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री करने वाली हूँ और बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों अंदर चल के, तो चलिए मेरे साथ। सो फाइनली फ्रेंड्स मैंने एंट्री कर ली है पंजाबी थीम रेस्टोरेंट के अंदर और जैसा कि इसका नाम है पंजाबी थीम, तो सेम आप देख सकते हैं स्टैचू पंजाबी लुक में ही खड़े हुए हैं और पीछे देखिए फ्रूट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उनका साइज़ बड़ा है और देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। आप सामने देख सकते हैं एक कुआं भी बना रखा है, पूरा यहाँ पर पंजाबी कल्चर बहुत ही अच्छे से बारीकी से दिखाया गया है। कुएं में कुछ औरतें जो हैं पानी भरते हुए दिखाई गई हैं और ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ मैंने बहुत सारी फ़ोटो भी खिंचाई थी और आप देख सकते हैं दूर से भी कितना अच्छा लग रहा है। और ये मैंने एंट्री पॉइंट दिखाया जहाँ से मैंने एंट्री की थी और ये देखिए यहाँ पर भांगड़े ढोल लिए हुए कुछ ऊपर लोग भी खड़े हुए हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारी यहाँ पर फ़ोटो सेशन कराया था ढोल वालों के बगल में खड़े होकर के, फ्रूट्स के पास खड़े होकर के, और पीछे कुछ वेजिटेबल्स भी हैं वहाँ पर भी खड़े होकर के मैंने फ़ोटो सेशन कराया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक अनानास भी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और अब मैं चलती हूँ रेस्टोरेंट के अंदर की तरफ। आप देख सकते हैं जैसा कि पंजाबी ढाबे में बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है चारपाई वगैरह, तो वहाँ पर सब डाल रखा है इन्होंने। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कल्चर दिखाए हैं पंजाबी के। और अब मैं देखो आपको दिखा रही हूँ पंजाबी रेस्टोरेंट के अंदर का व्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं पंजाबियों में जो भी चीज़ें होती हैं ढाबा वगैरह, तो वो सब चारपाई में वो लोग बहुत ही पसंद करते हैं खाना पीना, तो उसी प्रकार से पूरा लुक दिया गया है इस रेस्टोरेंट को और ये वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तो वहाँ पर खाया भी था तो मुझे बहुत ही इंजॉय किया मैंने। और यहाँ पर देखिए कुछ थीम दिखाई गई हैं पुराने ज़माने की, कुछ चूल्हे में खाना बनाते हुए और इधर चक्की पीसते हुए, तो ये कुछ पुरानी यादें थी जो रेस्टोरेंट के माध्यम से ताज़ा हो रही थी। इस वीडियो को देखकर के शायद आपको भी कुछ याद आ रहा हो और ये अपने इंडिया के कल्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। जो भी व्यू उन्होंने दिया है वो बहुत ही अच्छा था। और आप यहाँ भी देख सकते हैं चार सखियाँ खड़ी हुई हैं और बहुत काम कर रही हैं, और उधर देखिए भांगड़ा भी चल रहा है और लोग बाग जो भी यहाँ घूमने आ रहे हैं वो उसी स्टैचू के सेम आकार में फ़ोटो सेशन भी करा रहे हैं और मुझे बहुत ही हंसी आई थी, मैंने भी कराया था यहाँ पर। और पीछे वेजिटेबल्स जो कि घास में उगाई हुई हैं वो भी बहुत ही अच्छे से दिखाया उन्होंने। और ये अनानास तो पहले ही व्यू में आपको दिखा चुकी हूँ। और यहाँ पर देखिए जैसे कि पुराने लोग
एक दूसरे के सर में देखते थे, उसी तरीके से यहाँ प्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर कुछ सखियाँ बैठी हैं और आपस में बातचीत हो रही है। बहुत ही अच्छा नज़ारा था, बहुत ही अच्छा व्यू था ये, तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया। मैंने इनके बीच में भी बैठ करके फ़ोटो सेशन कराया था अपना। और अब मैं चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ आगे कुछ चरखा के प्रकार का भी इसमें कल्चर प्रेजेंट किया गया है। ये जैसे कि उनका व्हील वगैरह है, तो बहुत ही अच्छा लगा ये भी। वहाँ देखिए कुछ फ्रूट्स हैं, एप्पल वगैरह भी हैं। तो अब आगे चलते हैं, कुछ और नया देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक स्टैचू है, गाय का स्टैचू, बहुत ही प्यारा एंड क्यूट लग रहा है। और यहाँ पर देखिए पूरी फैमिली को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया गया है कि कैसे फैमिली रहती है एकदम एकजुट होकर के, और बहुत ही सारी खुशियाँ होती हैं जिन फैमिली में सब लोग एक रहते हैं। तो आगे हैं उसी पॉइंट पे वापस जहाँ पर कुआं बना था, मैंने फ्रेंड से दिखाया था, अब मैं बैक से दिखा रही हूँ। और वो देखिए पूरा स्टैचू भी बहुत ही कलरफुल है यहाँ पर। और इन सखियों को भी हाथ पकड़ के मैंने एक फ़ोटो सेशन कराया था, बहुत लोग थे इसी तरीके से करा रहे थे, सो मैंने भी उन्हें देख करके कराया। और यहाँ देखिए वेजिटेबल कितनी बड़ी बड़ी सी हैं, आलू है, लहसुन है, गोभी है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और अब मैं वापस जा रही हूँ। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ पंजाबी थीम रेस्टोरेंट आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।